Hey friends, welcome and welcome back to my new video. I'm Neha from Rajasthan. और का वीडियो होने वाला है मेरे जो घर का, मैंने जहाँ मैं आई हूँ, मेरा छोटा सा घर क्वार्टर का, तो उसका मैं आफ्टर बिफोर आपको दिखाऊंगी. सो आपको मेरा ये वाला वीडियो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा. तो आपका जो यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे इस साइड आपको स्क्रीन पे ऐसा कुछ आइकन बना आ रहा होगा, तो उस पर क्लिक कर लीजिए. फिर आपको पूरी वीडियो स्ट्रेट में दिखेगी, जैसे हम फ़ोन में रील वगैरह बनाते हैं. एक्चुअली इसलिए क्योंकि मैंने अपना जो स्टार्टिंग का जो क्वार्टर का है वीडियो, वो मैंने इस तरीके से कैप्चर किया था कि इस टाइप से. तो मैं वीडियो सिर्फ अभी ये छोटा मोटा वीडियो मैं इसलिए लाई हूँ क्योंकि मैं अपना क्वार्टर का आफ्टर और बिफोर आपको दिखाना चाहती हूँ. क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले पिक्स डाले थे, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आए थे कि दे आपने कैसे किया, क्या मैनेज किया. उस सबका वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि मैंने कैसे सब कुछ किया, लेकिन मैंने ये सब कुछ अरेंजमेंट उन्हीं 2 डेज में किया. और सबसे बड़ी चीज़ कि जहाँ मैं रहती हूँ, मैं अपनी लोकेशन तो आपको डिफाइन नहीं कर सकती हूँ, मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हमें अलाउ नहीं है अपनी लोकेशन शो करना कि हम कहाँ पे हैं. बस इतना जान लीजिए कि यहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होती है, ठीक है. हम राजस्थान के ऐसे एरिया में जहाँ पर ऑनलाइन डिलीवरीज नहीं होती है, तो मेरा कोई भी सामान बाहर से नहीं आया है. सारा सामान मेरा जो पहले मैंने हैदराबाद से करा था, और जब मैं यहाँ डेकोरेट करती हूँ, दीपक को आया कि अच्छा मैं तुम्हें सामान नहीं फेंका क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा सारा सामान डेकोरेट का जा चुका है. थोड़ा बहुत मैं लेके आई थी जो मुझे लगा कि नीड है, वो मैंने रख दिया था, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी. बस मैंने उसी से घर डेकोरेट किया थोड़ा बहुत, और विद इन 2 डेज़ के अंदर मैंने अपना सारा घर डेकोरेट कर दिया था क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी. ऐसी कंडीशन हो रही थी, और मैं आपको कंडीशन बताऊँ, ज़्यादा तो भी नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पर रिनोवेशन वगैरह हो रखा है, लेकिन शायद एक क्वार्टर 40 से 50 साल पुराने हैं, इतना मैं बता दूं. और यही नहीं, सारे क्वार्टर्स यहाँ पे ऐसे हैं क्योंकि काफ़ी पुराने पुराने स्टेशन्स होते हैं, आपको पता है. और ये जानबूझ रिनोवेट भी नहीं करते क्योंकि आपको पता है जितना पुराना घर होता है वो उतनी ठंडक देता है, और राजस्थान में क्वार्टर का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, उतना आप गर्मी में यहाँ पर टॉलरेट नहीं कर पाओगे. एनीवेज अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो मैं अभी कुछ नहीं है इस वीडियो में, लेकिन बिफोर आफ्टर दिखाऊंगी, पहले क्या कंडीशन थी, क्या था, हमने क्या किया, और कैसे करके मैंने ये सब सुंदर बनाया. तो चलो फालतू ना बोलते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो चलो next morning.
आई होप आपको मेरा ये छोटा सा आफ्टर बिफोर पसंद आया होगा. सो इसकी नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊँगी कि मैंने कैसे कैसे ये सब किया 2 दिन के अंदर, और आपको थोड़ी बहुत टिप्स भी मिल जाएगी, थोड़े बहुत DIY भी मिल जाएंगे उसके अंदर. ठीक है, मैंने DIY किया है सारा. यहाँ पे होम डिलीवरी नहीं होती है, मैंने बताया था आपको. यहाँ पे कुछ भी बाहर का सामान नहीं आता है, जितना बहुत है मेरा खुद का अपना सामान है. बाहर से मैंने एक सिंगल चीज़ भी नहीं ली है, सारा मेरा जो हैदराबाद में था वही सामान मेरा यहाँ पे भी है. तो अभी मैं कुछ रील्स देख रही थी तो उस पर ऐसा आया था ना, एक लेडी का जो बोलती है कि हम फौजी वाइफ है जनाब, हम हेलो में नहीं अपने हस्बैंड के साथ आर्मी क्वार्टर में रहने का सपना देखते हैं. ये बहुत सच है, आप क्वार्टर्स की कंडीशन देख सकते हैं. लेकिन क्वार्टर को घर बनाना एक औरत के हाथ में होता है, मेरा मानना है. एक घर को खूबसूरत बनाना वो आपकी कला है, आपके अंदर कितना आप चाहते हैं कि मेरा जहाँ मैं रहूँ वो घर में कन्वर्ट हो जाए. जैसे मेरा है, मैं जहाँ रहती हूँ मैं सोचती हूँ मैं इसको कैसे ऐसा कर लूँ कि एक कोजी कोजी सा घर बन जाए, एक सरकारी क्वार्टर को कोजी होम में कन्वर्ट कर लूँ. तो मेरा बस इतना रहता है, जितना मैं कर पाती हूँ उतना मेरे पे होता है. एनीवेज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद लॉट्स ऑफ DIYs एंड डे फर्स्ट से मैंने क्या क्या किया वो भी उसमें आएगा. तो टिल देन टेक केयर गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.